अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सैयद फुरखान, उसामी न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं ये खबर। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ढेर सारे लाइक दीजिए। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि इसी तरीके की खबरें उसामी न्यूज़ लाता रहेगा। काला पत्थर पुलिस स्टेशन हदूद में एक रउडी शीटर पर किया गया खातिलाना हमला। तफसीलात के मुताबिक रंजन कॉलोनी काला पत्थर के इलाके में इतवार और पीर के दरमियानी रात 12:30 बजे के करीब काला पत्थर का रहने वाला शहनूर पर नामालूम शख्स ने हमला करके शदीद जख्मी कर डाला। इत्तला मिलते ही काला पत्थर पुलिस क्लूज टीम के साथ मुकाम वारदात पहुंचकर तहकीकात का आगाज कर दिया और जख्मी शहनूर को इलाज के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। पुलिस के मुताबिक शहनूर एक एक्टिव रउडी शीटर था, जो माजी में कत्ल के केसेस में भी मुलविस बताया गया है। पुलिस को शुबा है कि शहनूर पर किया गया हमला रिवेंज हो सकता है। इस सिलसिले में पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। मैं मोहम्मद हारून, हुसामी न्यूज। पुलिस साले बाहर बुलाए, अंदर से घर में से बुला के जो है सो वहाँ तक लग रहे, वो नीचे तक लग जा रहे थे। घर में से पुलिस वाले बुलाए मेरे बच्चे को अंदर से, तो अंदर लेटा था वो, दिन में तीन तीन चार चार रखा, तंग कर दिए। अब क्या हिफाजत करे बोलो, बुलाए लगाच अंदर से। 00:30 आवर्स में काला पत्थर रोडी शीतर शानूर गाजी, उसके ऊपर अटैक हुआ। ब्लीडिंग हो गई, हेड इंजरीज है, अभी उस्मानी में देख के ट्रीटमेंट चल रहा। हेड इंजरी और ब्लीडिंग भी बहुत ज्यादा ये हो गए, और उन्होंने प्रीवियस दो मर्डर केसेस भी इन्वॉल्व है। अब हमको अभी एरिया में हमारा टीम्स गए सस्पेक्ट को वेरीफाई करने के, अभी आइडेंटिफाई नहीं हुआ। जल्दी से जल्दी पकड़ के अरेस्ट करके कोर्ट में प्रोड्यूस करते। सर, ये मर्डर होने की वजह क्या है? सर, मर्डर होने के वजह इससे पहले दो मर्डर कर दिया। ओके, इसका थ्रेट है थोड़ा, हिसाब से हम डेली डे एंड नाइट भी चेक करा। हम चेक करके एक हाफ एन आवर के बाद ऑफिसर चेक करके फिर एरिया में घूमे तक एक आधा घंटे पे ये इंसिडेंट सेस हुआ। मैं भी एरिया में पेट्रोलिंग कर रहा हूँ, इमिडिएटली घर जाके देख लेकर इमिडिएटली उस्मानी जाके देख के आ रहा हूँ। हेड इंजरी है, ब्लीडिंग बहुत गया, अभी ट्रीटमेंट चल रहा। चांसेस कुछ ऐसा बनकर बचने के डेट हो सकते हैं? सीरियस कंडीशन है, ट्रीटमेंट चल रहा। आपके पीएचडी में दो दिन पहले ये काउंसलिंग हुआ था रोडी शीटर्स के बारे में, अच्छा रहना बल्कि। यस, वन ईयर से कुछ इंसिडेंस नहीं है रोडी शीटर का, उसके बारे में हम काउंसलिंग प्रोग्राम बुला के काउंसलिंग करके कुरान भी दे दिया, कुरान शरीफ दे दिया, अच्छा अच्छा आयत पढ़ के भी वो लोग समझा दिया। मगर वो लोग दिल में थोड़ा, इससे पहले गर्जस रहते ना, उसका भाई मर गया, उसका कोई तो रिश्तेदारों ने वो रिवेंज लेने के लिए हुआ सर का ये हो रहा। मगर हमारा टीम्स गए, अभी हम एक्सपोज करे तो फिर वो लोग भी फिर ज्यादा टाइम लगता, हमारा टीम्स एक कर रहा, जल्दी से जल्दी हम पकड़ लेते। सर, इसके बाद अगर आप ऐसे एक्शन होने के बाद जो प्रोग्राम करे थे काउंसलिंग का, इसके बाद ये सेकंड फर्स्ट टाइम होंगे, तो इसके बाद आप जो फिर कुछ काउंसलिंग करेंगे या कुछ पनिशमेंट? हमारा काम है, अब 65 रोड शीटर्स है हमारा, एवरी हमारा डे, एवरी डे डे एंड नाइट एरिया में ये करते हुए, अभी भी हाफ एन आवर के पहले उसको चेक करा, हमारे पास एविडेंस भी है, मगर ये हो गए। अभी नया सर को देखने के हम कंट्रोल करने की कोशिश करते, बहुत एक्टिव रोडी शीटर था। सब इन्फॉर्मेशन ये नहीं है, मगर थ्रेट परसेप्शन है बोल के हमको मालूम है, उस वजह से डे एंड नाइट एरिया में चेक कर रहा ये कर रहा। हमारा टीम पकड़ने के बाद जो है वो आपके सामने और कंपनी सामने भेजेंगे।